सही है रे, मतलब आड़स है। इतना क्लैप करेगा और पानी में ना बुड़बुड़े आएंगे। देखो आ रहे थे क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एक हिडन लोकेशन और एक हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, और ये रूट एक वहाँ जाता है और ये साइड जाता है, तो हमें ये साइड जाना है। आगे डेड एंड है और ये हमारे गाइड। हल्की हल्की आवाज़ तो आ रही है पानी की, आप देखते हैं पानी का फ्लो कितना है। पहुँच गए हम लोग 5 मिनट वॉक करके, ये रहा वो स्पॉट। पानी का फ्लो एकदम कम है लेकिन पानी एकदम ब्लू है। हमारे गाइड जो हमें गाइड कर रहे थे वो पीछे रह गए। नीचे से कुछ इस तरह दिखता है पानी, पूरा ब्लू, कांच के जैसा साफ। अभी मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ से वॉक करते करते पानी थोड़ा गंदा किया मैंने, अब यहाँ पे आ चुका हूँ। बस कलर देखो, कलर तो अभी मैं वहाँ से चढ़ के आया हूँ स्टेप्स है, और यहाँ से यहाँ हमारे गाइड जम मारने वाले हैं। पानी का कलर देखो बस, और ऐसा पानी कभी रहता है पता है, जब बारिश के मौसम में, जब बारिश रुकती है 2 महीनों के बाद और धूप निकलती है तब पानी ऐसा रहता है। फ्लोइंग वाटर अगर ज़्यादा फोर्स ज़्यादा रहेगा तो पानी ऐसा ब्लू नहीं दिखता, तो फिर वो नॉर्मल जैसा दिखता है ना, ब्राउन टाइप वैसा दिखता है। तो ये परफेक्ट टाइम है आने के लिए, बस धूप चाहिए। धूप तो है लेकिन ये झाड़ियों की वजह से ना धूप नीचे नहीं आ रही है, तो ज़्यादा ग्लो नहीं हो रहा है, वरना काफ़ी ग्लो होता है। ये लाइट जा रही है पानी के अंदर, अब मैं इसको ना अंडर वाटर लेता हूँ। ये है ओरिजिनल जो मेरे आईफोन ने कैप्चर किया, और ये है एडिटेड वर्जन। अभी हमारा गोप्रो पानी में आ चुका है, ये झरने से पानी आता है साफ और यहाँ पे पूरा मिल जाता है। हम लोग ने गोप्रो पानी में रखे कुछ देर के लिए नीचे की साइड, आप देखते हैं कैसा फुटेज आता है। देखो ये ना क्लैप करेगा और पानी में ना बुड़बुड़े आएंगे। देखो आ रहे थे क्या? देखो आ रहे, देखो वापस जैसे ऐसा बैक टू बैक कर क्लैप। देखो नहीं, हाँ जगह अभी 12 दोपहर के, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। धूप तो चली गई, फोटो वोटो शूट किया हमने, अभी जा रहे घर। और एक बार लास्ट व्यू जाते जाते, हमारा गोप्रो अंदर जा रहा है केस में, और बाय बाय टू दिस प्लेस। सुना ना आपने, डीमार्ट के सामने बिल्कुल भी नहीं है ये। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी और सफर में। चलो बाय।